आखिर ड्राइवर यहाँ पे क्या संकल्प लेकर आप बैठे हैं धरने पर, जहां पे इनकी जो मांग है 10 साल की सजा और 7 लाख जो जुर्माना है पे इनको लगाया जा रहा है एक एक्सीडेंट के द्वारा। अब ये गवर्नमेंट को रूल वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कि बड़े गाड़ी वाले ही नहीं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे चालक हैं, बस वाले, प्राइवेट वाले, सभी यहाँ पे ड्राइवर जो कि चक्का जाम करें, और सबका संकल्प यही है ये जो रूल नया कानून लागू हो रहा संसद से, इसको बिल पास नहीं होना है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर वो गरीब है, ठीक है, और गरीब जो ट्रक ड्राइवर हैं वो जो यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, तो आप लोग को पता ही है कि उनका सैलरी 12 से 15-18 हज़ार होगा, इससे वो कितना 7 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे। कोई कोई 15 साल से यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा है तो भी वो आज तक 7 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाए। तो यही चीजें जो कि निकल के आ रही है, और यही लोगों ने यहाँ पे दोस्तों जो कि हर जगह हड़ताल रख के रखा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ये संकल्प लेते हैं कि हम हटेंगे नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। क्योंकि देखिए बहुत लोग डीएल वगैरह भी तोड़कर अपने चले जा रहे हैं, घर जहां पे गाड़ी है वहीं पे खड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि सही भी बातें हैं कि भाई जब उनके खिलाफ रूल्स जा रहा है तो कौन यहां पे अपनी जान जोखिम में डालेगा और अपना परिवार डालेगा। सबको पता है कि उनके परिवार की कीमत क्या है, बताइए कोई 10 साल जेल काटेगा तो उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा, और 7 लाख जुर्माना कहां से ट्रक ड्राइवर भरेगा बताइए। अगर वो एक्सीडेंट करता है, बहुत ड्राइवर ऐसे जिनसे आज तक एक्सीडेंट कोई भी नहीं हुआ, लेकिन बाई चांस जब हो जाता है तो आपको पता है कि पब्लिक अगर वहां पे आपको पा जाती है तो मार कितना धूसा आपको बनाएगी कि आप पहचान में नहीं आएंगे, कौन पब्लिक में मारा ये तो किसी को पता भी नहीं होता है। क्योंकि यही जो नया रूल्स आ रहा है कि जब भी आप एक्सीडेंट करिए तो जो भी जिसको यहाँ पे एक्सीडेंट आप किए हैं उसको हॉस्पिटल तक भिजवाएंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ राहत मिलेगी आपके जो कि जुर्माना में, और आपको जेल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चढ़ाने के बाद आप वहां पे एक्सीडेंट करने के बाद भाग जाते हैं तो फिर आप पकड़े जाएंगे, तो आपकी 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना कहां से कौन ड्राइवर भरेगा बताइए। अब जब गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो उस ड्राइवर का तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि जिसका यहाँ पे ट्रक रहेगा वो तो बता ही देगा कौन ड्राइवर चला रहा था, कहां से, उसकी सारी डिटेल। तो इसीलिए जहां पे ड्राइवर भाइयों ने अभी जो मोर्चा रखा है कहीं ना कहीं ये चीजें सही भी है, और ऐसा होना भी चाहिए। कि आपको पता है कि यहाँ पे जो भी ट्रक ड्राइवर भाई साहब हैं कहीं ना कहीं इन लोग को आप लोग सपोर्ट करिए और जितना हो सके वीडियो को फैलाइए, क्योंकि ये देखिए खबर हमारे लिए नहीं आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए हर जिले से कुछ भी सामान, पेट्रोल से लेकर जो भी कुछ है यहाँ पे डंपर वगैरह जो बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है, सामान इधर से उधर आ रहा है, इस राज्य से उस राज्य जा रहा है, तो ड्राइवर की देन है। सब्जी से लेकर हर चीज ये ड्राइवर ही तो इधर से उधर ला रहे हैं, जिस दिन ये लोग लाना छोड़ देंगे ना उस दिन यहाँ पे महंगाई कितनी तेज बढ़ेगी आप लोग को पता, और बहुत लोगों को खाने को भी नसीब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर के विपक्ष में आप लोग भी दोस्तों चलिए, और इनको यहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो अपनी मांगे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही मांगे कर रहे हैं। इनके लिए जो यहाँ पे रूल लागू किया गया इसको हटाना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए ये रूल सही नहीं है, ठीक है। अब बताइए कोई भी गरीब ड्राइवर कहाँ से देगा जो कि 7 लाख रुपए और 10 साल की जेल काटेगा, तो उसके परिवार को कौन देखरेख लेगा। कानून को तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि ड्राइवरों के भी हक में कोई रूल्स आए जहां पे इनको प्रॉफिट हो, लेकिन यहां पे तो ड्राइवर बेचारों की यहां पे धज्जियां उड़ाई जा रही है, और इसीलिए ड्राइवर जो कि जहां पे गाड़ी है वहीं पे हड़ताल कर दे रहे हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, पुणे, महाराष्ट्र, जहां पे भी हरियाणा, सब लोग यहां पे ब्लॉक कर रहे हैं, और वहीं गाड़ी छोड़ करके सीधा अपने घर निकल जा रहे हैं, बैग लेके, चाहे कोई गाड़ी हटाए चाहे कुछ हटाए, हमें नौकरी छोड़ दी, हमारे पास कितनी रूल्स यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही भी है, और इनके साथ यहाँ पे इंसाफ होना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग की क्या राय है अपनी राय आप लोग कमेंट्स करें, और वीडियो को जितना हो सके फैलाइए ताकि सभी भाइयों को, ट्रक ड्राइवर को इंसाफ मिल सके। तो जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और भी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा।